मेकअप और लाइफस्टाइल, राइट, लाइफस्टाइल अवार्ड्स। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे औरतों के साथ साथ लड़के भी हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपको भी मेकअप में रुचि है। एंड आई वुड लव टू सी, आज किसी का कुछ मेकअप हुआ? या मैन, बहुत लोग आए हैं टू टॉक अबाउट मेकअप, टू सी मेकअप, रिलैक्सिंग, इजंट इट? It adds so much confidence. मतलब ज़्यादातर औरतों को तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, लेकिन we just feel happy. It's like a good outfit, isn't it? Thank you so much for having me. And now I want to honor all the people. राम कुमार पाल और जिनको आज अवार्ड मिला उन सबको बधाई। आने वाले समय में आपको ईश्वर हमेशा शक्ति दे ताकि आप ऐसे ही शुभ काम करते रहें, लोगों को प्रोत्साहित करते रहें, सम्मानित करते रहें। आप जब लोगों को सम्मानित करते रहेंगे तो ईश्वर आपको सम्मानित करता रहेगा, आपके घर में सुख और वैभव हमेशा बना रहेगा। यही ईश्वर के चरणों में कामना करता हूँ। और आप जैसे लोगों को जो अवार्ड मिला, आपने अपने कला के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से जो देश में राज्य में सेवा की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मीडिया के लोग, आपने भी बहुत अच्छी तरह से इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। एंड एक्चुअली वॉट एवर आई एम टूडे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू मीडिया पीपल, राजा एंड ऑल द होल पीपल, राहुल, एवरी वन, ऑल ऑफ यू। शायद सबका नाम भी नहीं याद होगा, बट एक डेफिनेटली चीज़ याद है कि आप लोगों की वजह से हम जैसे आउटसाइडर्स को यहाँ आके मौका मिलता है। वरना मेरे जैसी एक लड़की जो एक बहुत ही छोटे टाउन से बिलोंग करती है, एंड 3 साल मैंने इतना स्ट्रगल किया, रामनगर के ऑडिशन में गई, चीज़ें करी, एज अ पूल मॉडल स्टार्ट किया, बट अभी दिल्ली टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स दोनों में आई विल बी द शो स्टॉपर। एंड इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द लवली मीडिया। मैं जब बच्ची थी न्यूयॉर्क से पढ़ के आई थी, आप लोगों के आगे पीछे घूमती थी, दैट मीडिया पीपल, अच्छा आप लोग क्या करते हो, कैसे करते हो, और वो सारी चीज़ें मुझे याद आती है। नाउ आई हैव बिकम व्हाटएवर आई हैव बिकम बिकॉज ऑफ माय मॉम एंड डैड्स ब्लेसिंग एंड ऑल ऑफ योर लव। एंड आई एम रियली हैप्पी टू विन दिस प्रिटी ग्लैमरस रैंप मॉडल ऑफ द ईयर। आप लोगों ने मुझे लैक्मे फैशन वीक, दिल्ली टाइम्स, अहमदाबाद टाइम्स, पुणे टाइम्स, हर जगह देखा होगा। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी, बट मुझे अच्छों का साथ देना, बुरों को मैं देखती नहीं हूँ। जो हंसते हैं उनको हंसने दो, जो सपोर्ट करते हैं उनका सपोर्ट दो, और आगे बढ़ो और दूसरों को भी सपोर्ट दो। इतना इम्पोर्टेंट है ये अवार्ड आपके लिए, क्योंकि मेरी मम्मी के हाथों से मिला इतनी बड़ी आती है। ये अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, इसलिए मैंने ये अवार्ड मिला है हाथों से, अपने स्पेशल मुंबई दफ्तर को, न्यू चैनल को स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सब लोगों ने पेन लगाने चाहिए, पेन बचाने चाहिए, कोविड की सिचुएशन में सबने सबको देखा है। अवार्ड तो मिलते रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है पेड़ लगाना। आप जितने भी यहाँ पे लोग मेरे को सुन रहे हैं, वो जितने भी लोग हैं, अवार्ड आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी बार बार आएगी नहीं, वो रिटेक नहीं होती है। तो मेरा सबसे बोलना है, जैसे मैंने पिछले महीने कहा कि एंटरटेनमेंट के लिए, एनवायरमेंट के लिए जो इनिशिएटिव मैंने लिया, वो सबने लेना चाहिए। हम खुद के लिए 4 लीटर पानी खुद के लिए पीते हैं, तो खुद भी अपने घर में, जैसे हम खुद को जिंदा रखते हैं, तो घर में एक पेड़ लगाओ, जिससे कि हमारे आने वाले फ्यूचर में कुछ लोगों को हमारे बेनिफिट हो। तो डेफिनेटली आपके सोशल मीडिया के थ्रू ये मैसेज वहाँ पे चला जाएगा, थोड़ा सोशल मैसेज था, मैं वहाँ पे चला गया। तो प्लीज़ आप जितना हो सके पेड़ लगाओ, पानी बचाओ। थैंक यू। Model. This is my first achievement of my life. My thanks to my parents, my brother, my family, my friends, and as well as my fans. So I'm very happy for this achievement. This is the start of my career. This is the start of my life. Let it be the journey, and let sky is the limit. I will reach to the limit wherever I go. Thank you so much. I request all of you to can follow me on my Insta handle, that is ER_Ami. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा, और अच्छा तो इसलिए लग रहा है कि जरूरतमंद लोगों को जो सेवा करते हैं और उन तक जो अपना योगदान पहुंचाते हैं, और उसके बाद इस कैटेगरी को मुझे यहाँ सम्मानित किया, इसलिए मैं पूरे आयोजकों का धन्यवाद देता हूँ। और मेरे मित्र वैद्य प्रवीण जैन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ तक मुझे ले आए। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। हुआ था मुझे आज
पॉडकास्ट से पहले, आज मुझे ऐसा फील हुआ है कि हाँ, फिर एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ एक्टर, आपको अगर कुछ आगे लाइफ में करना है तो अगर आपको अवार्ड नहीं मिला है और मिल गया है तो आप बहुत लकी हैं. दैट्स नॉट मी, आई एम वेरी लकी गर्ल एंड ऑल दैट. क्या चल रहा है अभी आपकी लाइफ में? अभी तो मैंने फिलहाल कभी म्यूजिक वीडियोस किए और म्यूजिक वीडियो के साथ साथ मैंने कपिल शर्मा में शो में किए एंड देन ऑल दैट. कि म्यूजिक वीडियो मैंने 5 किए, दुबई में सॉन्ग शूट हुए मेरे, दो शूट हुए एंड ऑल से बस काफ़ी है मेरे लिए इतना. तो अभी आगे का प्लान चल रहा है मूवी का, वेब सीरीज का. हमें इंस्पायर करते हैं, हमें अवार्ड देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए. मैं रियल इस्टेट कंसल्टेंसी में और अच्छे काम करूँगा और अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों के लिए मुहैया कराऊँगा और लोगों को इससे काफ़ी बेनिफिट होगा, एक अपग्रेड भी. थैंक यू. सो थैंक यू फॉर दिस अवार्ड और यहाँ के ऑर्गेनाइज के लिए भी. और वैसे अभी इंटरनेशनल अवार्ड में मेरा नाम ये हुआ है, नॉमिनेट हुआ है, तो वहाँ पर भी बाहर के लिए थैंक फॉर दिस फॉर राइटिंग फॉर डायरेक्शन के लिए. थैंक यू. वालों ने मेरे को बुलाया है और सम्मान किया है. इससे पहले भी मैं कई अवार्ड में जा चुका हूँ, मेरे को बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं. मेरा मेन काम है जैसे कोई लव रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, किसी के पति पत्नी बीच में अनबन हो, या हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, या लव का कुछ इश्यू आ रहा हो, तो मैं उनको सोल्यूशन देता हूँ और मेरे ऑफिस में आता है, कंसल्ट करते हैं और मैं उनका समाधान देता हूँ. और किसी को भी कोई भी ऐसी समस्या हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मुझे खुशी होती है जब मेरे पास कोई भी इंसान आता है और उनका मैं सोल्यूशन देता हूँ. ठीक है. मेरा नाम अलका शाह है. जैसे आप देख रहे हैं कि मुझे मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर का अवार्ड महिमा जी के हाथों मिला है, तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेहनत करते हो तो उसका फल जरूर मिलता है. बस अपनी मेहनत कीजिए और अपने आप पर भरोसा कीजिए, आपको उसका फल जरूर मिलेगा. धन्यवाद. Awards and the jury for giving me this award. That is, I'm a lifetime award, and I'm really grateful for it. It took quite a lot of time because it was a bit of mess up inside, but it's fine. Works out at the end. ये आज का the best leadership award nominate किया गया है. मैं बहुत खुश हूँ. मैं लीडरशिप के लिए मैं आप लोग सब बताना चाहता हूँ. जो लीडरशिप जो है वो एक पावरफुल एक सिस्टम है और जो भी अपना जो डे बाय डे अपना टीम के लिए मेहनत करने वाला लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए और जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला और बेस्ट करियर के लिए लगातार जो आपका प्रयास करने वाला लीडरशिप क्वालिटी है हमारे पास रहेगा, तभी हम एक महान लीडरशिप को हम बहुत लोगों को डेवलप करके. नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरा नाम योगेश पूरे, मुंबई से बिलोंग कर रहा हूँ और मेरा जो फील्ड है वो है डिजिटल एसेट्स, वेब 3 और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और भारत टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुका है और इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबको एजुकेशन देने का पवित्र काम जो भगवान ने, उसके लिए मुझे भगवान ने चुना है और मैं अपने तन मन धन से इस सेवा में लगाऊँ और भारतीयों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देने का काम करता हूँ, उनका एसेट बढ़ाने का काम करता हूँ, उनको धनवान बनाने का काम करता हूँ. क्योंकि धन हमेशा नया टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत बड़ा धन टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और टेक्नोलॉजी आपको ऑप्शन छोड़ती है, या तो धनवान बनो उस टेक्नोलॉजी के साथ में या तो उसका बिल भरो. तो मैं इसके बारे में सबको एजुकेट करता हूँ. थैंक यू वेरी मच फ्रॉम राजकले सर, शैलेश सर और राम सर, इनके बदौलत आज ये मुझे सम्मान मिला है. थैंक यू वेरी मच. मेरा प्रणाम. पहले मैं शेर से शुरुआत करूंगा बात का कि दिल जल रहा है तो जलने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो. दिल जल रहा है तो जलने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो. एक बार और आ जाकर शेर से शुरू करूंगा कि दिल जल रहा है तो जलने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो. दिल जल रहा है तो जलने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो. वो भी आएंगे जिन्होंने ठुकराया, वो भी आएंगे जिन्होंने ठुकराया है, जरा मेरे हालात तो बदलने दो. और
सभी को मेरा प्रणाम। मैं सिंगर पंकज पाल, आप मेरे गाने आज सुने और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिला। मैं बस यही दुआ करूंगा और यही आपसे कामना भी करूंगा कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए। हर हर महादेव, जय हिंद। सोशल वर्क, मैं गरीब जो सिंगर के बच्चे उनको मैं स्कूल में डाला और उनके लिए बहुत कुछ किया और मैं आगे भी उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी मैं कुछ करना चाहता हूँ बहुत आगे। और मैं आज बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे ये अवार्ड मिला और मैं इसी मॉडलिंग में भी अपना करियर बनाऊँगा और एक्टिंग में भी। और मैं स्पेशली थैंक्स शैले सर को बोलना चाहता हूँ कि उनके वजह से आज मुझे ये अवार्ड मिला। और मीडिया वालों को सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपके वजह से हम लोग लाइफ में आते। थैंक यू। पहले हम वो दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, प्रीति झिंगियानी और महिमा जी। महिमा जी मेरी काफ़ी क्लोज हैं, इनके साथ काफ़ी इवेंट्स किए मैंने। जब मैं सेलिब्रिटी मैनेजमेंट करता था बेसिकली, अभी तो मैं प्रोड्यूसर हूँ और उनको भी बहुत खुशी हुई मेरे से मिलके। और अभी हमारा शो आ रहा है जिंजर में 20th of April, बाकी एक्सप्लेन ये करेंगी मैडम। आज ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड मिला हमें महिला के थ्रू और अभी आफ्टरनून में भी हमें प्रीति झिंगियानी के थ्रू अवार्ड मिला और बहुत खुशी होती है कि हमें इस तरीके के अवार्ड्स मिलते रहें लाइफ के अंदर और इसी तरह हम सक्सेस होते रहें। और अपकमिंग अवार्ड हमारा आ रहा है द जिंजर में और हम चाहेंगे कि वो भी हमारा सक्सेसफुल रहे और द रिमी के साथ में हमारा ये अवार्ड रहेगा एंड वी आर हैप्पी टू बी हियर। और मेरे पार्टनर हैं मिस्टर दीपक चतुर्वेदी, एनिग्मा एंटरटेनमेंट एंड सौरव एंटरटेनमेंट। वी कॉल अपॉन हिम मिस्टर दीपक चतुर्वेदी, ही इज अवर ऑर्गेनाइजर, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द इवेंट और शैलेश पटेल जी का बहुत योगदान रहेगा हमारे साथ और हमें खुशी है कि हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अच्छा शो। हमारा शो होने वाला है 28 अप्रैल को, जिसमें रिमी सेन है, सुनील पाल जी हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। फैशन शो भी होगा, उसमें डांस कॉम्पिटिशन भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, अवार्ड शो भी होगा। मैं चाहता हूँ आप मीडिया वाले और जो भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर मीडिया पीपल। थैंक यू। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे को महिमा जी के हाथों से अवार्ड मिली है एंड क्योंकि मैं अंडमान से आई हूँ, अंडमान से यहाँ पे आके मुझे इतने बड़ा एक्टर के हाथों से मुझे अवार्ड मिली है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और ये सिर्फ मेरा जीत नहीं है, मेरी फिल्म अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जीत है। सो मैं यही चाहती हूँ ऐसे अच्छे अच्छे काम और भी करती रहूँगी ताकि मुझे ऐसे सम्मान मिले एंड मेरे और आने वाले और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। सो मेरे एक एल्बम सॉन्ग भी आने वाला है, वो सब आप लोग के लिए सरप्राइज़ है। इवेंट किया है और तो मैं बहुत आगे और अवार्ड्स करते रहे, मैं उनके लिए बहुत ब्लेसिंग्स करता हूँ एंड थैंक यू सो मच। और अभी मेरा एक सीरियल चल रहा है GTV 5 पे, एक गुरी पंजाब दी, मैं उसमें अभी किया है काम। और जितने एक गुरी पंजाब दी एक्ट्रेस, हमारे प्रोड्यूसर, एक्टर, जितने लोग हैं बहुत अच्छे, प्लीज़ आप लोग देखें और प्यार दें जैसे हमेशा आप लोग देते। और 4 अप्रैल को फिर मेरा एक म्यूजिक एल्बम आ रही है तो ये सब आज के लिए भी थैंक यू बोलती हूँ राम कुमार पाल सर जी को, शैलेश सर को जिन्होंने यहाँ उस काबिल समझे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी सबसे महान एक्ट्रेस महिमा चौधरी जी के हाथों से अगर सम्मानित होती है तो और गर्व की बात है कि हम लोग उनको देख के सीख रहे हैं, चाहते हैं और बेहतरीन एक्टिंग करें। तो थैंक यू सो मच इस अवार्ड के लिए, शैलेश जी के लिए और मेरे जितने फैंस हैं, मुझे प्यार करते रहे, सपोर्ट करते रहे हमेशा। मेरा अभी सीरियल चल रहा है GTV 5 पे, आप लोग देखें, प्यार दें। और 4 अप्रैल का मेरा एक सॉन्ग आ रहा है, उसको भी इंजॉय कीजिए। थैंक यू। ये बहुत अच्छा लगा, सारी मीडिया टीम लोग बहुत सपोर्ट किए, यहाँ पर जितने गेस्ट आए हैं बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे और सब लोग लाइन पे है, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नमस्कार। तो सबसे पहले आपको थैंक यू कि आप यहाँ पे ये सब कवर कर रहे हैं। और मैं दिलीप भोसले लास्ट 35 ईयर से सोशल वर्क में काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आज का दिन भी आएगा और ये अवार्ड मुझे मिलेगा। और आज ये शुरुआत हो गई और आगे से ये मैं काम हमेशा करता रहूँगा।
और इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगा हमारे जो हमारे ग्रुप के आरके एजुकेशन ग्रुप के हमारे मेन राज काले चेयरमैन डॉक्टर राज काले, उनका स्पेशल मैं थैंक्स बोलूँगा, उनकी वजह से आज ये संभव हुआ है। और मैं मेरे मित्र असलम और हमारी सहकारी सीमा और मेरी वाइफ यहाँ पे मेरी फैमिली है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जब तक मेरे जान में जान है और जब तक मुझे जमेगा तब तक मैं काम करता रहूँगा। और फिर से एक बार सभी को थैंक यू और महिमा जी चौधरी को भी थैंक यू, जिन्होंने जिनके जिनके हाथों ये सम्मान हमें मिला तो उनका भी थैंक यू। थैंक यू सर। बोलना चाहती हूँ साक्षात एंटरटेनमेंट और साथ ही राजकुमार पाल जी सर और शैलेश जी सर एंड साथ ही डॉक्टर मुकेश ताराचंद मकवाते जी सर, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी एंड इनवाइट किया। और सच में आज बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है ये शो और काफ़ी अच्छा लगा देख के, और आप सभी मीडिया वालों को भी बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। मुझे ये अवार्ड मिला है बेस्ट मॉडल एक्ट्रेस एंड साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक, मेरा नाम जय पुजारी, मुझे आज बेस्ट लीडरशिप का एक अवार्ड मुझे आज नॉमिनेट किया गया है, मैं बहुत खुश हुआ और मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। और एक्चुअली लीडरशिप के बारे में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। लीडरशिप जो है, लीडरशिप क्या होता है, जो डेडिकेशन का साथ अपना टीम को एक पावरफुल एक काम करने के लिए प्रयास करने वाला एक अच्छा क्वालिटी होना चाहिए लीडरशिप को। और जो जो न्यू चैलेंज को एक्सेप्ट करने का और जो बड़ी कामयाब के लिए फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी का साथ अपना टीम को एक विजन का साथ सक्सेसफुल दिलाने का एक लीडरशिप होना ही चाहिए, तभी बहुत बड़ा काम हो सकता है। और जो जो इंडस्ट्री जो होता है, जो अपना कम्युनिटी को बढ़ाने का कम्युनिटी का बेस को मजबूत करने के लिए अथवा कोई भी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए तो आप लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इतना ही बोलता हूँ और थैंक्स और जय महाराष्ट्र। लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया था और साक्षात एंटरटेनमेंट के हर प्रोग्राम में एज अ सपोर्टर मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। मेरी कंपनी है आरके ग्रुप ऑफ कंपनी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये शैलेश भाई के साथ राम भाई के साथ इस साल में हम लोगों ने हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। समाज के अलग अलग लोगों को यहाँ पर अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है और सम्मान से काम करने का हौसला बढ़ता है और हौसला बढ़ने से तरक्की कामयाबी शोहरत और समाज में एक अच्छा कार्य होता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं हमेशा इस ग्रुप के साथ एसोसिएट हूँ और सभी अवार्डी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। मुझे भी ये सम्मान मिला है बेस्ट लाइफ कोच करके, साथ ही साथ मेरे मैंने रिकमेंड किया था जया पुजारी जी बेस्ट लीडरशिप अवार्ड, मैंने रिकमेंड किया था दिलीप विट्ठल भोसले बेस्ट सोशल वर्कर ऑफ द ईयर, मैंने रिकमेंड किया था सीमा पाटिल मैडम बेस्ट इंस्पिरेशनल ट्रेनर, मैंने रिकमेंड किया था योगेश मोरे जी विलास कानस्कर जी। तो मुझे खुशी होती है और मेरे साथ ये कारवा बढ़ते जा रहा है और ऐसे ही हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे काम करते रहेंगे। हमारा नेक्स्ट शो अप्रैल महीने में आ रहा है तो उसकी भी डिटेल्स बहुत जल्दी हम सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। आप सभी मीडिया और आपके पेशेंस को भी ध्यान दूंगा क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कतों से आपको भी शूट भी करना पड़ता है, कवर भी करना पड़ता है और भीड़ भाड़ का हिस्सा होने की वजह से कभी कभी डांट फटकार भी सुननी पड़ती है। ऑन बिहाफ ऑफ साक्षात एंटरटेनमेंट आरके ग्रुप अगर कुछ बुरा लगा है तो सॉरी, और मीडिया का भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, धन्यवाद। लाइफ स्टाइल अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? मुझे जो अवार्ड मिला 2024 का मुझे बहुत खुशी है और मेरा कल 1 अप्रैल को मेरे लड़की का बर्थडे भी है, आज की खुशी और कल की खुशी में बहुत खुश हूँ। ये जो
यहाँ दिखाई दिया वो एक फिल्मी अवार्ड रहा, तो किस तरीके से आपके ताल्लुकात रहे हैं फिल्मों से? जी, मैं एक सोशल वर्कर का, मुझे 2024 का अवार्ड मिला है और ये प्रोग्राम आयोजित किया था, बहुत अच्छे से किया था और आयोजित है, उनको मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ और मुझे सम्मान के लिए मुझे सम्मान दिया है, मैं इसके लिए थैंक यू धन्यवाद करना चाहता हूँ। लाइक टू थैंक्स ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवॉर्ड और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा शैलेश जी को, राजकुमार जी को, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और बहुत सारे जन को अवार्ड से सम्मानित किया है और ऐसे ही वो प्रोग्राम्स करते रहे और सबको अवार्ड देते रहे। Gives me immense pleasure to receive this award with my favorite actor Mahima ji and मैं सचिन जी से धन्यवाद कहना चाहूँगी जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं और इन्हीं के साथ एसोसिएशन में हम एज अ रनवे मॉडल आई एम वर्किंग। थैंक यू सो मच। अवार्ड आपने किया महिमा जी और दुकानी जी आपके अवार्ड में आए तो कितने खुश हैं, कितना सक्सेस अवार्ड हुआ? सवाल तो बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया। पता है सो मैंने सक्सेस नहीं किया, मैं ये चीज़ क्लियर करूँगा, सक्सेस करने वाले मेरे साथ खड़े, जैसे हम बिल्डिंग बनाते ना बिल्डिंग तो उसके पिलर होते हैं कदा था, तो ये मेरे ये पिलर है सीमेंट बनाने वाले, ये मेरे कॉन्ट्रैक्टर है, ये है खरीदने वाले और जिसकी प्रॉपर्टी होता गाड़ी लेके चले गए राम भैया मेरा, तो सक्सेस का क्रेडिट मैं मेरे राम भैया को दूंगा, सीधे क्रेडिट में राजकाली सर को दूंगा, सीधे क्रेडिट मेरी राम, ये हमेशा है ना पीछे पीछे रहता है, ये सबको छापता है, लिस्ट भी बनाता है, बैनर भी बनाता है, लेकिन पीछे रहता है और आज मुझे लगा कि इनकी मेहनत सामने आनी चाहिए। क्या सर इसी तरह मेरे कुछ और दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, जिसे ताराचंद जी ने, निकेश ताराचंद जी ने तो कल गाली देगा मेरे को, और ये हमारे रिसोर्ट वाले के मालिक हैं, हालांकि मेरे से बहुत नाराज़ होते हैं, बट मेरे भाई है वो, प्यार भी करते बहुत मुझे, बता जब भी आना रिसोर्ट में आ जाओ तुम्हारे लिए फ्री है दादा, अपन जाऊँ रिसोर्ट में, अरे हाँ वीरा भला, तो प्यार करो, देखो प्यार बांटने से क्या मिलेगा, प्यार मिलेगा, नफरत बांटने से क्या मिलेगा, नफरत, तो क्या बांटना चाहिए, जरूरी है लड़की के साथ बांटो, मैं क्लियर कर रहा हूँ, जरूरी लड़की के साथ बांटो, माँ के साथ बांटो, भाई के साथ बांटो, बहन के साथ बांटो, दोस्त के साथ बांटो, क्योंकि है ना बीवी से प्यार बटोगे ना तो फिर पंगे तो बहुत होने हैं सर, तो दोस्त को आगे रखो, भाई को आगे रखो, बीवी को आगे रखो, सब करो। यहाँ पर देखो मेरे कितने फ्रेंड हैं, वो बोलना चाह रहे हैं, मौका मिलेगा आपको भी मेरे पे बड़बड़ करने का, सो मैं चाहता हूँ कि अभी मैंने बहुत बोल दिया यार, बहुत काटोगे तुम लोग मेरे को सर, आप क्या बोलेंगे छोटे भाई के लिए प्यार और राम भाई के लिए प्यार? मैंने थोड़ी देर पहले बोला है कि इनके हर प्रोग्राम में हम इन्वॉल्व रहते हैं और आगे भी रहेंगे, और अभी तो आज तो उनका बहुत स्पीड 90 का रहता है, इस टाइम 180 का स्पीड है उनका, तो बहुत जल्दी हम एक नया अवार्ड भी लेके आएंगे, पासे करो अपन पासे, हाँ 500 का स्पीड रहेगा और नया अवार्ड भी हम अप्रैल में लेके आ रहे हैं जिसकी घोषणा ये हफ्ते में हो जाएगी। ओके राइट, क्या बात, और भाई ये तो हमारे जान है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं इनके विषय में, सब चीज़ गुस्सा भी करते हैं, प्यार भी देते हैं, लेकिन अच्छे के लिए करते हैं, इसलिए इनके लिए थैंक यू, भाई सब के लिए थैंक यू, राम भाई के लिए भी थैंक यू, और हमेशा सपोर्ट करते आ रहे हैं, पूरा मीडिया टीम हंडल यही करते हैं, आज तक जो है ना मैंने देखा कि 5 साल में कितना बड़ा इन्होंने काम किया मीडिया लाइन में और पूरा पीआरओ अच्छा एकदम कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अभी मेरे भाई, अरे खत्म नहीं हुआ रे भाई, राम कुमार पाल जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिनके वजह से ये शो हमने और ये अवार्ड शो हमने सक्सेस कर पाया, उसके बाद फिर हमारे शैलेश भाई है, जो मैंने बहुत सारे अवार्ड देखे हैं अपने लाइफ में लेकिन इनका अवार्ड मुझे हमेशा दिल को छू जाता है, उसका कारण ये है कि ये इनका जो मैनेजमेंट है, इनका जो सिस्टमेटिक काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है, इनसे जुड़ के मुझे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ लेकिन ये बंदा दिल को छू जाता है ये बात पर, तो थैंक यू फॉर ऑल, सारे अवार्डों को शुभकामनाएँ सबको मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे भैया ने बोला मैं भूल गया था, सारे एवोडी में से कुछ मेरे भाई थे, कुछ मेरी बहन थी, और एक मेरी बहन ऐसी थी जिसकी फ़्लाइट मिस हो गई, जिसका नाम है अंजलि, वो आई थी प्यार के लिए यहाँ पर महिमा के लिए, बट उसको मिले, बट अंजलि जी आई एम रियली सॉरी,
एंड सिस्टर नेक्स्ट टाइम आपको पहले अवॉर्ड मिलेगा और ये तुम्हारा भाई का प्रॉमिस है आपको मिलेगा। ये लोग है ना मेरे से इतना प्यार करते कि कोल्हापुर सोलापुर राजस्थान उड़ीसा से आते हैं मेरे लिए, खाली मेरी बात को इज्जत रखे। मैं नहीं चाहता कि इनकी बात को कोई काटे और उनका नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो जितने भी यहाँ पर अवॉर्ड है ना ये अवॉर्ड ही नहीं है, लोग लोग बोलते हैं अवॉर्ड ही है, मैं किसी को नहीं मानता अवॉर्ड, ये सारे मेरे भाई बहन है, मेरे दोस्त है, मेरे मित्र है, इसमें से कई मेरी बहन है, कई मेरे दोस्त है और कई मेरे बुजुर्ग है। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह प्यार आशीर्वाद मिलना चाहिए। अंदर की स्टोरी काटना मैंने बहुत बड़बड़ किया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलो बढ़िया जो काम कर रहे हैं ना, भगवान चाहेंगे तो इंडिया में, यहाँ मुंबई में चले, पूरा इंडिया में इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं जो कुछ सोच भी नहीं सकता है। जय श्री प्रोग्राम का। ये बात से एक बात बोलता हूँ, यहाँ पर कितने लोग खड़े गाइस, एक मिनट, एक सपोर्ट मांगूंगा। राम से बड़ा राम का नाम किसको मालूम है? यहाँ पर हाथ ऊपर करो गुरु जी, आप नीचे मत झुकना। राम से बढ़ के क्योंकि जब राम जी ने वो पत्थर पे अपना खुद का नाम लिखा था तो पानी में बहा नहीं था, क्यों नहीं बहा था? क्योंकि राम से बढ़ के राम का नाम था। तो बोलो जय श्री राम, बोलो जय जय बजरंग बली। सारे संकट हरते हैं और दुष्टों को हरते हैं, उसी तरह जय श्री राम का नारा हम लोगों को लगाना चाहिए और ये बात हर घर में पहुंचना चाहिए। तो थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए, लोग जहाँ जहाँ से आए उसके लिए धन्यवाद। ये मैं आप लोग बताऊँ, यहाँ जितने खड़े ना इनका नंबर लेना, ये इनका रिसोर्ट है भैया, ये सब फ्री में आएंगे तुम्हारे रिसोर्ट। यहाँ बोलो भैया सब फ्री में आने दो, हम सबका स्वागत भाई साहब। इनका नंबर लेना रिसोर्ट में, इनका मिरर में खास करके उत्तम सर, थैंक यू सो मच। एंड नरेश माय फ्रेंड विनीत, ऑल माय ग्रुप्स और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना मान दिया और अवार्ड के लिए आगे खुला, इतना सम्मान दिया, थैंक यू सो मच उत्तम सर, नरेश, विनीत, थैंक यू उत्तम सर जी को। एंड जितने मुझे इस अवार्ड के लिए, शैलेश जी ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, रामपाल जी ने बहुत अच्छा किया और राम जी ने जनरल किया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने अच्छे से सबका मीडिया बैठ लेते हैं और इतना अच्छा पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन पब्लिसिटी के बगैर सब चीज़ अधूरा है। और मेरा अभी एक सॉन्ग भी आने वाला है जो मैं अभी कोल्हापुर से रिलीज़ करने वाली हूँ, शायद आप लोग उसमें आओगे, दूरियाँ आप लोग जरूर देखिएगा, #duriya शिवा ऑफिशियल पे। थैंक यू। बिफोर यू पे इनका जो है सॉन्ग रिलीज हो रही है बहुत जल्दी ही, दूरियाँ, और बहुत अच्छी सैड सॉन्ग है, तो देखना ना भूलिएगा आप लोग #duriya। थैंक यू सो मच। खुशी की तो वैसे कोई सीमा नहीं है, वो आप अपने मेरे फेस पे देख भी सकते हो। बाय द वे माय नेम इज उर्मिला वर्मा, आई एम ए मॉडल, एक्टर एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर, ऑल्सो आई एम ए मिसेस इंटरनेशनल आइकन वूमन। आज मुझे शैलेश जी ने यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल सा अवार्ड देने के लिए इन्वाइट किया है, जो मैं उनको बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, और आप पूरी टीम को जिसने इतना कोऑपरेट किया उसके लिए भी थैंक यू सो मच। महिमा जी के हाथों से आपको अवार्ड मिला तो कितनी खुश हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे आप देख सकते हो एक्टर एंड एज अ मॉडल अवार्ड फेलिसिटेशन मिला यहाँ पे, मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं थैंक कहना चाहूँगी लाइफस्टाइल एंड ग्लैमर अवार्ड को कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। स्पेशल थैंक्स टू उत्तम सर और मेरे बेस्ट फ्रेंड नरेश सर, उन्होंने मुझे ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मुझे यहाँ पे आके अवार्ड मिला, सो उन लोगों को थैंक यू। एंड यस, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था, आई हैड सो मच फन, थैंक यू।